बेगूसराय शहर में आए दिन सामाजिक तत्व द्वारा दो समुदाय के बीच लड़ाने का काम कर रही हैं। एक मामला नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक स्थित जागीर मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां मां सरस्वती की प्रतिमा ले जाने के दौरान दो समुदाय के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक पक्ष के दो तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद दो समुदाय के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई। दोनों समुदाय के लोगों को थाने पर बुलाकर एक शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में बेगूसराय के सदर डीएसपी सुबोध कुमार ने दोनों समुदायों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दोनों समुदाय के बीच थाने पर कई घंटे तक एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते रहे। बताया जा रहा है लाखो थाना क्षेत्र के रमजानपुर ढाला के पास 13 फरवरी को मां सरस्वती की प्रतिमा को लेकर युवक जा रहा था, तभी एक समुदाय के लोगों द्वारा जबरन मां सरस्वती का मुंह दिखाने की बात कही जा रही थी। तभी इस युवक द्वारा इसका विरोध किया गया तो इसी से नाराज होकर एक समुदाय के युवक ने मूर्ति ले जा रहे युवक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट होने के बाद दोनों समुदाय के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए लाखो थाने के पुलिस द्वारा आज दोनों समुदाय के लोगों को थाने पर बुलाकर शांति समिति की बैठक की गई, समझा बुझाकर किस तरह मामले को शांत कराया। मेरा जो था आपस में छोटा बच्चा है, उसको जो है साइकिल चलाने के क्रम में आ रहा था, रास्ते में जो टकरा गया, यही सब छोटा मोटा मामला था जिसमें बड़े इन्वॉल्व हो गए। इसको सम्पदाई ग्रहण देने का काम किया था, जो थाना प्रभारी महोदय के द्वारा बुलाया गया, डीएसपी महोदय उपलब्ध वहाँ पर थे उपस्थित, उनके समक्ष सारी बातें रखी गई। तो निर्णय यही हुआ कि आपस में सब जो जैसे मिलजुल के रहते गंगा जी में तहजीब, बस भाईचारा बना के रखना है और कोई बात नहीं। बस इन चार वो लोग जो है आपस में जो है माहौल खराब करने का कोशिश करता है, जिसको शिकंजा कसा जाएगा प्रशासन के द्वारा, सामाजिक जो भी होता है सारा किया जाएगा। ऐसे कहा जाता है कोई भी पर्व होता है तभी इस सब का माहौल को किया जाता है, क्या लगता है? आप आके देखिए, 500 साल से रह रहे आज तक ऐसा कोई झंझट नहीं हुआ है। एक जगह रहते हैं, थोड़ी बहुत बात होती रहती है, एक दूसरे समाज हम लोग मिलकर सब दिन जो है समझौता किए हैं, बैठ के बातचीत किए, कभी कोई ऐसा बात नहीं हुआ। बस विचार को जो है असामाजिक तत्व है माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, डीएसपी महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग थाना प्रभारी या डीएसपी महोदय को सूचित करेंगे, उसको कार्रवाई करेंगे। वो क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद फैयाज हुआ। कहाँ का ये मामला है? ये रमजानपुर का मामला है और सीतारामपुर में सब दिन से गंगा जमुनी सब दिन के हिसाब से हम लोग चलते आ रहे हैं और कभी ऐसा हुआ नहीं। दो चार लोग जो है माहौल खराब किया, हम कार्रवाई करेंगे। इससे कई बार हो चुकी थी, दोनों समाज के साथ बैठ करके मेल मिलाप कर लिया गया था। ये पांचवी घटना है जिसमें कि मस्जिद कमेटी की कैमरा लगी हुई थी, कैमरा खोल कर ले गया, एक कैमरा तोड़ दिया और फ्लैक्स को फाड़ दिया। ये समथिंग 1:45 रात की घटना है जो कि सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। तो हम लोग जिला प्रशासन से अनुरोध किए कि आप आइए, मौके वारदात देखिए किस तरीका से घटना हुई है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि चल अपवाद दंगाइयों के फेर में पड़े। हम लोग चाहते हैं कि समाज में जिस तरीका से हमारे पूर्वज रहते आए हैं, एक दूसरे के भोज भात में शिरकत करते थे, उसी तरीका से रहें ताकि हमारा माहौल शांति वातावरण रहे बना रहे, क्योंकि लड़ाई होने से दोनों पक्ष की नुकसान होती है। लेकिन चंद दंगाइयों ये चीज को नहीं समझ पाते हैं और वो तो लड़ाई लगाकर चले जाते हैं। नुकसान होता है जो वहाँ पर स्थायी लोग रहते हैं, जिसका घर है, जान माल की क्षति होती है। आप देख रहे हैं कि किस तरीका से अभी माहौल बना हुआ है। इसके लेकर मैंने प्रशासन महोदय को फोन किया, इत्तला करवाया गया समाज के द्वारा, समाज के लोग गए वहाँ, बुलाए आए प्रशासन महोदय आए। परसों रात में हिंदू पक्ष के कुछ बच्चे और मुस्लिम पक्ष के बच्चों के बीच में साइकिल से टकरा जाने के कारण मारपीट की घटनाएं आपस में हुई थी, झड़प हो गई थी, जिसको लेकर के कल स्थानीय थाना प्रभारी लाखों के द्वारा दोनों गांवों के बीच में जाकर वार्ता की गई थी। उसी संबंध में आज शांति समिति की बैठक थाने पर आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों से लोग आए थे, दोनों पक्षों की बातें सुनी गई, दोनों को शांति एवं सद्भाव पूर्वक रह करके पर्व एवं सभी त्यौहार को मनाने का निर्देश दिया गया है। दोनों पक्ष सहमति जता दिए हैं और इसके बाद शांति समिति की बैठक कर दोनों को यहां से जाने का निर्देश दिया गया। जो अभी तक लिख करके दोनों पक्षों के द्वारा किसी के द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि दोनों पक्ष जो लड़के इस घटना में शामिल थे उसके संबंध में लिखित रूप से आवेदन देंगे, लेकिन अभी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। एक पक्ष कह रहा है कि मूर्ति को लेकर ये विवाद हुआ था, लेकिन आप शांति समिति की बैठक में हुआ कि नहीं, उससे मूर्ति एक दिन पहले रात्रि में गई थी, उससे
लेकर के मारपीट नहीं करती, साइकिल टकराने को लेकर के मारपीट नहीं करती। अच्छा, एक मामला सर निकल कर सामने आया, दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।